बरसात के मौसम के मद्देनजर महानगर में होने वाले जल जमाव की स्थिति को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने मंगलवार को पंपिंग स्टेशनों और नालों का निरीक्षण किया। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि महानगर में स्थित सभी पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया गया है, जिससे कि आने वाले बरसात में होने वाले जल जमाव को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी पंपिंग स्टेशन सही से चल रहा या नहीं, सभी रेगुलेटर्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं, सभी को चलवा कर देखा गया। अगर आने वाले समय में ज़्यादा जल भराव होता है तो कैसे उससे निपटा जाएगा, उन पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है और एक अलग से टीम शहर के सभी नालों का निरीक्षण कर रही है। इस मौके पर चीफ इंजीनियर नगर निगम और सिंचाई विभाग के XCN मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, नगर निगम करता है, नगर निगम करता है, बहुत बड़ा है।
यही आपका दिक्कत बता रहा है, पहले नहीं बताया जब वो प्रधान कर चुका है तो ये बता रहा है दिक्कत है। दूसरा बताएगा तो मुझे बहुत खराब लगता है, इसको कम करने की जरूरत नहीं है। और किसी भी प्रधान अब यही कर रहे थे, ये लोगों का काम है तो बताओ प्रॉब्लम, हम पहले हमें टेकल कर लेंगे। नरकटिया कैसे नरकटिया इधर हमारे पंप लगे हुए हैं ये बात। मिर्जापुर वाला भी जब कभी चल जाता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। जैसे ग्रीस लगाते सूखता जाता है तो हम लगाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार लग गया पूरे नहीं लगता है, ऐसा सूखता बराबर लगाते रहते हैं, बराबर होती है, एक ही बार का नहीं है, जैसे पूरा सूखता जाए सूखता जाए बंद करना पड़ेगा, तो हम 10 दिन मुश्किल से बंद करना पड़ता है, करना पड़ा तो ये हमारी तरफ हो गए, आठ इधर हो गए, नौ हो गए, और दो खड़े अनूप एक नंबर है। देखिए एक संयुक्त टीम के माध्यम से जिसमें सिंचाई विभाग के लोग, नगर निगम के चीफ इंजीनियर साहब और बाकी संबंधित विभाग के लोग मेरे साथ यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, जितने पंपिंग स्टेशंस हैं और जो भी नाले हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है, या निरीक्षण या देखने सुनिश्चित किया जा रहा है, इसमें यह देखा जा रहा है कि सभी पंपिंग स्टेशन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके रेगुलेटर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो उनके अंदर जो मशीन्स फिट हैं मोटर्स फिट हैं वो सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए पूरी तकनीकी टीम लेकर इसकी जाँच की जा रही है, और अगर आने वाले समय में बारिश ज़्यादा होती
रहती है, तो ये कैसे फंक्शन करेंगे और ये सही फंक्शन करेंगे नहीं, ये सब पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक अलग से टीम जो है वो शहर के नालों की जाँच कर रही है कि नालों में क्या स्थिति है, नालों में जल भराव है कि नहीं है, चोकिंग है कि नहीं, इसकी जाँच कर रही है। ये सब पूरी कम्प्लीट जाँच करके इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी।